हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मेरे पास कोई मजाक का टॉपिक नहीं है, ना तो कुछ ऐसा फनी है टू बी ऑनेस्ट, बट मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ एंड दैट इज़ रिगार्डिंग दीज ऑन गोइंग सेल्स। अब देख रहे हो कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब पे हों या फिर वो आपके इंस्टाग्राम पे हैं, उस इन ऑनलाइन सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये दो तीन दिन की जो भी आती है, हर साल ये दो से तीन बार इस तरह की सेल निकालते हैं। लोगों को लगता है कि सामान बहुत सस्ता है, बट एविडेंसेस सामने आ चुके हैं, कई लोगों ने नोटिस किया है, खुद मैंने भी। फॉर एग्जांपल, एक सामान था जो मैंने कुछ एक स्पेसिफिक कीमत पे ख़रीदा था जून में, और वो आज इस जो सेल चल रही है उसमें आइडियली वो सस्ता होना चाहिए, बट वो उसमें महंगा आ रहा है। सो इस तरह के स्कैम चलते रहते हैं, अभी इतने बड़े लेवल पे हो रहे हैं कि लोगों को ऐसी सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाई जाती है कि अभी ले लो, नहीं तो फिर कल नहीं मिलेगा। तो उस चक्कर में लोग क्या करते हैं कि उन चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना पैसा बचाइए, हार्ड एंड मनी है। अगर कुछ आपको ज़रूरत है तभी चीज़ को ख़रीदें। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वॉन्ट। तो आपको कुछ चाहिए जस्ट बिकॉज, इसलिए मत लीजिए या फिर सेल चल रही है तो उसको जमा करना शुरू कर दें, आपकी फ्यूचर में किसी दिन काम आएगा या इस तरह की चीज़ें। सो जब आपको ज़रूरत हो तभी उस चीज़ को आप खरीदिए, चाहे ऑफलाइन खरीदिए चाहे ऑनलाइन खरीदिए, इट्स टोटली अप टू यू। बट मैं जस्ट इस चीज़ को शेयर करना चाह रहा था बिकॉज आई एम सीइंग कि बहुत से यंगस्टर्स जो हैं हमारे टीनेजर्स, वो इन बहकावों में आ जाते हैं कि भाई सेल चल रही है, जल्दी से कुछ ले ले, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले ले या फ़ोन ले ले, इस तरह का ये सब चलता रहता है हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं चीज़ों के, बट ये सोच के कि सिर्फ इन तीन दिनों में या इन पाँच दिनों में ही प्राइस कम रहेगा तो आप पूरे साल वेट करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।